नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलीफ्राई। बिग बॉस 14 का खेल दिन बीतने के साथ साथ कठिन होता जा रहा है, ये बात घर वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि शो में नजर आ रहे सभी कंटेस्टेंट अपने साथी को कैप्टन की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, ताकि समय आने पर वह सदस्य घर वालों को नॉमिनेशन से बचा सकें। आज बिग बॉस 14 के घर में एक बार फिर से नॉमिनेशन का खेल शुरू होने वाला है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिग बॉस घर में कैप्टन इजाज खान से एक सदस्य का नाम पूछेंगे, जिसे वो घर से बिगड़ होने की प्रक्रिया से बचाना चाहते हैं। बिग बॉस के सवाल पर इजाज खान जैस्मिन मसीन का नाम लेने वाले हैं। इस बात का सबूत बिग बॉस 14 का ताजा प्रोमो है, जिसमें इजाज खान जैस्मिन मसीन को नॉमिनेशन से सेव करते नजर आ रहे हैं। इजाज खान का ये फैसला उनको अपनी टीम से दूर कर देगा। निक्की तंबोली से लेकर पवित्रा पुनिया कोई भी ये बात नहीं समझ पाएगा कि इजाज खान जैस्मिन को क्यों बचाते हैं। पवित्रा पुनिया तो इजाज खान से इतना नाराज हो जाएंगी कि वे फूट फूट कर रो पड़ेंगी। प्रोमो में पवित्रा निक्की से कहती नजर आ रही हैं कि औकात दिखाना इसे कहते हैं। मुझे पता था कि ये गेम खेल रहा है, इसने गलत जगह चोट मारी है। मैंने इजाज खान के लिए खाना बनाया था, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने ये गलत किया है। ये बात बोलकर पवित्रा घर में जमकर रोती नजर आई। वहीं निक्की तंबोली और जान कुमार सानू पवित्रा पुनिया को शांत करवाते नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।